अक्टूबर की तारीख हमारे देश के लिए काफी खास है क्योंकि इस दिन दो महत्वपूर्ण हस्तियों का जन्म हुआ था। एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का और दूसरा देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से है, जहाँ पर सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर जी ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। देश के कोने कोने में और दुनिया के कई देशों में कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। 2 अक्टूबर को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें प्यार से हम बापू कहते हैं, तो दूसरी तरफ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, दांडी मार्च की गूंज बड़ी, हर दिल में नई आस जगी, नमक सत्याग्रह से तुमने दुनिया को संदेश दिया, अंग्रेजों की सत्ता को नमक से ही ध्वस्त किया। ये सोच थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और पूरा देश इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहा है। कैमरा पर्सन रतुल के साथ प्रांजलि सिंह, गैंगटॉक सिक्किम से संसद टीवी के लिए।